हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वाति बहुत ही सुंदर लड़की थी, उसी के साथ साथ बहुत ही मॉडर्न भी थी। उसको जीन्स पर ब्लाउज पहनना बहुत अच्छा लगता था। स्वाति की माँ स्वाति की शादी ऋषि नाम के लड़के से करवा देती है। शादी की रात स्वाति ऋषि से बोलती है, ऋषि जी मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो स्वाति, क्या बात है? आपको तो पता है ऋषि जी कि मुझे जीन्स पहनने का बहुत शौक है, तो अगर मैं यहाँ पर जीन्स पहनूं तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कल तुम एक बार माँ से जरूर पूछ लेना, क्योंकि तुम उनकी बहू हो, अगर उनको सही लगेगा तो पहन सकती हो। जी। स्वाति और ऋषि रात में कुछ देर बात करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह स्वाति जल्दी उठकर घर का सारा काम करके रसोई में खाना बनाने जाती है। कुछ देर बाद स्वाति के साथ सरला और ऋषि खाना खाने आते हैं। स्वाति को देखकर सरला बोलती है, बहू ये क्या है, तूने ब्लाउज तो पहन लिया लेकिन साड़ी क्यों नहीं पहनी? ये तो फैशन ही है माँ जी, और वैसे भी आजकल तो ऐसे ही पहनते हैं। पहनते होंगे, लेकिन हमारे घर में बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती है। जाकर साड़ी पहन करा, कुछ देर में मोहल्ले की कुछ औरतें तेरी मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं। उन्होंने अगर तुझे ऐसे देख लिया ना तो मेरा मजाक बना देंगी। पर माँ जी, स्वाति कुछ कह पाती उससे पहले सरला स्वाति को उसके रूम में साड़ी पहनने के लिए भेज देती है। कुछ देर बाद सरला की पड़ोसन विमला के साथ साथ मोहल्ले की कुछ औरतें आती हैं और सरला स्वाति को आवाज लगाती है। जहां सरला स्वाति को बार बार आवाज दे ही रही होती है कि वहीं स्वाति अपनी साड़ी में फंसी खुद से कहती है, किस बेवकूफ ने ये साड़ी पहनने का रिवाज बनाया है। एक तो मुझे साड़ी पहनना नहीं आता और ऊपर से माँ जी ये तकलीफ मेरे मथे छोड़ गई है, अब क्या करूं? स्वाति इतना बोलकर अपने आसपास देखने लगती है और पास में सोफे पर रखी चुन्नी से अपना मुंह ढककर सबके सामने आ जाती है। विमला की नज़र स्वाति पर जाती है। सरला तू तो कह रही थी कि तेरी बेटी कुछ दिन पहले अपने ससुराल चली गई, फिर ये कौन है जो जीन्स में तेरे घर में घूम रही है? मुझे क्या पता कौन है ये, मेरी बेटी तो ससुराल चली गई है। सरला की बात सुनकर विमला स्वाति का घूंघट उठाती है। आय हाय सरला, तेरी बहू तो बड़ी बेशरम है, एक तो जीन्स पहन कर आई, ऊपर से जीन्स पर ब्लाउज पहन कर आई है, ये कौन सा फैशन है भला? अरे तुझे तो पता ही है कि आज के बच्चों को ऐसे ही कपड़े पसंद है, और वैसे भी मैं अपनी बहू और बेटी में कोई फर्क करना नहीं चाहती, इसलिए तो इसको ऐसे कपड़े पहनने के लिए बोल देती हूँ। पर ऐसे कपड़े मुंह दिखाई में कौन पहनता है भला, ऐसे तो तेरी ही बदनामी होगी। मैं भी इसको ऐसे कपड़े पहने नहीं देती, लेकिन सुबह से घर के काम करके थक गई थी ना इसलिए, और वैसे भी घर में ही तो मुंह दिखाई है, बाहर होती तो साड़ी पहन लेती। ठीक है जैसा तुझे सही लगे, हमें तेरी बहू से क्या मतलब है। विमला के साथ मोहल्ले की सारी औरतें स्वाति के मुंह दिखाई करती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं। सबके जाने के बाद स्वाति भी अपने कमरे में जाने लगती है और उसके पीछे पीछे सरला स्वाति के कमरे में जाती है। बहू तुझे हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है ना, तुझे साड़ी देकर गई थी, तूने साड़ी क्यों नहीं पहनी? माँ जी मुझे साड़ी पहननी नहीं आती और आप बार बार आवाज लगा रही थी, इसलिए मैं चुन्नी लेकर सबके सामने ही आ गई। अरे अगर तुझे साड़ी पहननी ही नहीं आती तो मुझे बुला लेती, लेकिन सबके सामने मेरी इज्जत का कचरा करने की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? लो कर लो बात, सबके सामने तो बड़ा मेरी साइड ले रही थी और अब सबके जाने के बाद मुझ पर चिल्ला रही है। अगर मुझे साड़ी पहनना नहीं आता तो इसमें क्या मेरी गलती है? तू मेरी बात भी सुन रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ? माँ जी आप चाहे कुछ भी बोल लो, मैं साड़ी पहनने वाली नहीं हूँ, मुझे ये जींस पर ब्लाउज पहनना ही अच्छा लगता है बस, और अगर आप मुझे कुछ बोलेंगी ना तो मैं किसी और के साथ भाग जाऊंगी, फिर अपनी इज्जत का ख्याल करती रहना। स्वाति सरला को इतना बोलकर घर का सारा काम करने चली जाती है। सरला स्वाति को कुछ नहीं बोल पाती। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और स्वाति रोज रोज जींस पर ब्लाउज पहनकर घूमती रहती। स्वाति को देखकर लोग तरह तरह की बातें करते थे लेकिन स्वाति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन स्वाति जींस और ब्लाउज में बाजार से घर जा रही थी और उसी वक्त विमला और सरला की दूसरी पड़ोसन कांता की नज़र स्वाति पर जाती है। देख रही है कांता, सरला की बहू कितनी बेशर्मों की तरह मोहल्ले में घूम रही है जींस पर ब्लाउज पहनकर। वही तो विमला बहन, सच में सरला ने भी अपनी बहू को सर पर चढ़ा रखा है, वरना किसी बहू की मजाल है कि ऐसे कपड़े पहनकर बाहर घूम ले। मुझे तो डर लगता है कहीं इसको देखकर हमारी बहुएं न बिगड़ जाए। खैर छोड़ो हमें क्या। हाँ हाँ हमें क्या लेना देना इससे, हम तो बस अपनी बहू पर ध्यान देंगे,
कांता और विमला की बातें स्वाति सुन लेती है और उनके पास आती है। अगर आप दोनों को मुझे देखने में इतनी ही तकलीफ हो रही है तो मेरे बारे में बातें ही क्यों कर रही हैं? अगर आपको अपनी बहुओं की इतनी चिंता है तो घर में बंद कर लो, वरना कहीं किसी के साथ भाग ना जाएं। अरे देखो तो कितने बेशरम है, मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ बेशरम ही निकलेगी, लेकिन ये तो बदतमीज भी है। बड़ों से कैसे बात करते हैं इसे ये भी नहीं पता। स्वाति कांता की बातों का कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और आए दिन कांता और विमला सरला के आगे स्वाति की बुराई करते हैं। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले में सब्जी वाला आता है जो स्वाति को देखकर स्माइल पास करता है और स्वाति भी सब्जी वाले को देखकर मुस्कुरा जाती है। ये सब विमला देख लेती है और एक दिन विमला सरला के पास जाती है। सरला मेरी बात सुन, मुझे तेरी बहू के बारे में कुछ बताना है। हाँ बोल, क्या कर दिया मेरी बहू ने? मुझे तेरी बहू और उस सब्जी वाले का थोड़ा शक हो रहा है। तुझे पता है वो सब्जी वाला सब्जी बेचने के बहाने तेरी बहू को देखने आता है और तेरी बहू भी सब्जी वाले को देखकर बहुत खुश होती है। क्या अनाप शनाप बोले जा रही है विमला, तू तुझे कोई होश भी है कि तू क्या बोल रही है? अगर मेरी बहू से तुझे इतनी जलन होती है ना तो तू मेरी बहू के मुँह ही क्यों लगती है? मत मान, मेरा क्या, बहू तेरी है, तेरे भले के लिए ही बता रही थी। लेकिन अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो एक दिन तू खुद ही देख लियो कि कैसे तेरी नाक के नीचे से सब्जी वाले के साथ भाग जाएगी। तू अपने घर जा, मेरा दिमाग मत खा, पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें लेकर आती है। पहले ही सर दर्द है, ऊपर से तेरी बक बक से सर दर्द से फट रहा है। सरला विमला को उल्टा सुना देती है और अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और सब्जी वाला रोज मोहल्ले में आता और सब्जी बेचने के बहाने स्वाति से बात किया करता। ऐसे ही एक दिन विमला स्वाति को सब्जी वाले के साथ जाते देख लेती है। वो जल्दी से सरला के पास जाती है। सरला तेरी बहू सब्जी वाले के साथ भाग गई? अरे नहीं नहीं, वो बाजार सब्जी लेने गई है। तू अभी भी गलत फहमी में बैठी है, अरे मैंने अपने आँखों से देखा है उसको सब्जी वाले के साथ जाते हुए। हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मुझे तेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए था। मैं तो तुझे बोल ही रही थी, लेकिन तूने मेरी बात कहाँ सुनी? अपने मोहल्ले में जितनी सब्जी वाले आते हैं उन्हें मैंने कहते सुना है, सब्जी ले लो सब्जी ले लो। लेकिन जिस सब्जी वाले से तेरी बहू का चक्कर चल रहा था उसे मैंने कहते हुए सुना सब्जी ले लो बहू दे दो, पर लेकिन तेरी किस्मत तो देख, बहू तो हाथ से गई और टमाटर भी हाथ नहीं आए। अरे बहू गई तो गई, लेकिन टमाटर तो दे जाती, दो दिन से ढंग से सब्जी भी नहीं बनी है। सरला इतना बोल कर सर पर हाथ रख कर रोने लगती है और इस तरह से जींस पर ब्लाउज पहनने वाली बहू सब्जी वाले के साथ भाग जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।